न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर मथुरा उत्तर प्रदेश से आ रही है। छाता नेशनल हाईवे पर यहां पर स्थित बैकमैक कंपनी के कर्मचारी यहां पर ड्यूटी पे जाते समय बैकमैक फैक्ट्री के कर्मचारी को कार सवारों ने रोक दिया है। छाता नेशनल हाईवे पर स्थित बैकमैक कंपनी कर्मचारी 9:30 बजे अपनी ड्यूटी करने के लिए आए हुए थे। कंपनी के गेट नंबर के पास ही अलाव लगा हुआ था। कर्मचारी अपनी ड्यूटी के समय पहले ही आ गए थे। ठंड को देखते हुए अभी अलाव को सेकना शुरू कर दिया, तभी आपको बताया चले कि एक तेज रफ्तार आ रही कार ने उनके ऊपर रो दिया है। घटना की सूचना मिलते ही कर्मचारी में हुई कंपनी में अफरा तफरी का माहौल पैदा। सभी गाड़ी चालकों को पूछा गया लेकिन भागने में मौके पर ना देखते हुए भी दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और पुलिस छाता यहाँ पर पुलिस ने सुपर्द कर दिया गया। घटना करीब दर्जन व्यक्ति घायल हो चुके हैं और आपको दो कर्मचारी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए खास जो बताया गया साहब लोगों क्या, ने मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, एक्सीडेंट हुआ है। ये बाहर ड्यूटी के लिए आ रहे थे लड़के, बस खड़े हुए थे कितने रो रहे बैकमेट पे छाता में बाहर। बस इनको कितने बजे का समय रहा होगा? ये करीब 9:30 के करीब की बात, 9:30 के बीच तब की बात है। और इनको बस उन्होंने मारी टक्कर और इनको बस वो तो भग गए मार के भग गए। गाड़ी नंबर कुछ लिया है आपने? नहीं अभी नहीं, वो पुलिस को 100 नंबर फोन कर दिया था, पुलिस आ गई है वो लेके। क्या नाम है? सहदेव। सहदेव कहाँ के रहने वाले हैं? साखी के रहने वाले हैं। तो तबीयत सही है? कोई ज्यादा बड़ा नहीं साहब, रीढ़ का दर्द के मारे चिल्ला रहा है, आया है चिल्ला रहा है। 6 बंदे के चोट है, 6 गंभीर चोट है और एक गंभीर चोट हरिओम साखी, उसके पैर टूट गए। ठीक, 6 बजे तक तो थोड़ा पहले आ जाते हैं क्योंकि 15 मिनट और आधा घंटा पहले आ जाते हैं। तो ये सड़क पे खड़े हुए थे, खड़े होके मतलब कोई आग किनारे का घटना है। किसी की घटना है? ये घटना बैकमेट की कंपनी के ठीक सामने बाहर की है। सर्विस कौन सी बैकमेट कंपनी कहाँ पर है? छाता में। तो कितने लोग घायल हुए? ये 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4-5 तीन लोगों का पैर फ्रैक्चर है और लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन 4-5 लोग। कोई लोग पकड़े गए हैं जो एक्सीडेंट करने वाले हैं? वो पकड़े गए हैं सब। अच्छा, गाड़ी पकड़ ली? हम देख के आए हैं अभी। हाँ। वो गेट के सामने गाड़ी खड़ी है और जो ड्राइवर थे वो अंदर बैठे हुए हैं। पकड़ लिया है। ठीक, ये बच्चे साहब गांव पुलिस आ गई? पुलिस आ गई, मौके पर आ गई थी पुलिस। आ गई पुलिस, ले गई उनको, ले गई क्या ये नहीं मानी। तो इनका स्वास्थ्य कैसा है, इन बच्चों का? इन बच्चों का देखो, ये गरीब आदमी, ये जितने भी बच्चे थे सभी गरीब आदमी हैं और ये ड्यूटी से पहले आ जाते हैं वहाँ के भाई आधा घंटे पहले। तो वो अग्नि पे वहाँ कुछ खड़े थे और कुछ ताप रहे थे आस पर गेट के बाहर। सड़क से कोई लेना नहीं। नामक केयर सिंह। केयर सिंह जी बताएं, ये कंपनी कौन सी और इसमें आप क्या हो? ये वेकमेट कंपनी है, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ इधर। मैं भी राउंड पर गया था, जैसे मैं राउंड लगा करके आ रहा था तो एकदम यहाँ से आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं उधर से भगया, मैं बस ऐसा मेरे को आवाज़ सुनाई दी, मेरे गेट पर साथ वो हो जाती है जी। आ करके वहाँ देखा तो उधर एक्सीडेंट हुआ मिला। ये हमारी शिफ्ट क्या है, हमारी शिफ्ट मतलब जब तक शिफ्ट का टाइम नहीं होता है तो सब आदमी क्लोज होते हैं बाहर। जब क्लोज टाइम हो जाता है जब अंदर लेते हैं उनको टाइम होने से पहले। कुछ तो बंदे ड्यूटी के लिए आ गए थे, बाकी कुछ आने बाकी थे, वो उनके इंतजार में खड़े थे। उन दौरान परे से एक गाड़ी आई है, जो गाड़ी नंबर आपको लिखवाया है। क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी नंबर है UP 85Y 7608। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी इंडिका है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो परे से आई, सीधे जो खड़े थे वो सीधी टक्कर मारी आकर के सीधी। तो कितने लोग घायल हैं? 6 आदमी घायल हैं। तो वो कहाँ भेज दिए गए? वो प्रिज नर्सिंग होम भेज दिए। और जो गाड़ी, जिसमें गाड़ी वाले थे, गाड़ी सवार थे, वो कहाँ है? उसको पुलिस लेके थाना छाता। तो कितने लोगों को चोट आई है? 6 को, साथ ही सात। तो कितने बजे घटना रही? ये घटना है लगभग 9:20 की। 9:20। तो थाना पुलिस भी आई होगी? छाता थाना पुलिस आई है, ऐसे बालियान साहब हैं वो जो लेकर गए उनको। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को